अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच एस सी प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम बोस्ट आई जी वन के एलिमेंट 3.8 को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा परमानेंट टूवर। पहले समझते हैं परमानेंट क्या होता है, फिर हम आगे टाइप्स डिस्कस करेंगे। परमानेंट टूवर की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी तरह के परमिट्स होते हैं हमारे पास, और परमिट को क्या प्रोसीजर क्या होता है कि किस तरह से परमिट जो है लिया जाता है, और परमिट के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। परमिट का वर्ड बेसिकली निकला है परमिशन से। परमिट टू वर्ड से मुराद क्या है कि जब आपके पास किसी काम के करने के लिए ऑफिशियल उसके लिए परमिशन होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द परमिट, कि हम परमिट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। अब परमिट जो होता है हमेशा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करने का नाम है। जब भी किसी आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसके हैजर्ड्स को जो है वहाँ पे कंट्रोल करके वहाँ की जितनी भी इम्प्लीकेशन है उनको यूटिलाइज करते हुए आप काम कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि हम उसकी परमिशन के अकॉर्डिंग और उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को सरंजाम दे रहे हैं। परमिट बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है, सेफ्टी प्रोसीजर है, और ये फॉर्मिंग पार्ट है सिस्टम ऑफ वर्क का। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा है परमिट, तो इसी तरह जो एक फॉर्मिंग पार्ट है ये आपकी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का, और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई जो हैजर्डस एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज़ के अंदर आपके पास हादसा के रुनमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को हम अकॉर्डिंग टू परमिट करते हैं। परमिट की यूटिलाइज करते हुए परमिट्स की नीड के अकॉर्डिंगली हम उसको रुनमा करते हैं, उसको वहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हमें परमिट ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे हॉट वर्क हो गया आपके लिए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर काम हो रहा होता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री हो रही होती है, कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम हो रहा है, ऑपरेशनल पाइपलाइंस के ऊपर काम हो रहा है, एक्सकवेशन हो रही है, नियर बरीड सर्विसेज की हो रही है, कॉम्प्लेक्स मशीनरी के ऊपर काम हो रहा है, तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो कि सारी की सारी हाई रिस्क हैं, जिसके साथ हादसा के रुनमा होने के चांसेस क्या हैं ज़्यादा हैं, तो लिहाजा हम इन एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू परमिट करते हैं, मतलब हम इनके ऊपर कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। अब परमिट्स की जो है बेसिकली जो है चार बड़ी टाइप्स हैं। अब जो है इसकी चार मेन टाइप्स हैं। अगर हम जनरली बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं हॉट वर्क परमिट की, आगे हम डिस्कस करेंगे भाई हॉट वर्क परमिट क्या होता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट, तीसरा आ जाता है जी हमारे पास कन्फाइंड स्पेस परमिट, और चौथा आ जाता है हमारे पास जी ओपन इक्विपमेंट एंड लाइन ब्रेकिंग परमिट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हॉट वर्क परमिट को। हॉट वर्क परमिट आपको हर उस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है जिस एक्टिविटी के अंदर भी सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट या फ्लेम या स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा हो, वो एक्टिविटीज़ क्या आती हैं हम आपके हॉट वर्क परमिट के अंडर आती हैं। आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिस एक्टिविटी के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो उन एक्टिविटीज़ को आप किसके अंडर लेंगे, हॉट वर्क परमिट के अंडर लेंगे, और हॉट वर्क परमिट की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको फुलफिल करते हुए आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इसके अंडर आती हैं, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सोल्डरिंग, ट्राइंग पाइपिंग, टॉर्च और पाइप जो है अप्लाइड प्रूफिंग और केमिकल वेल्डिंग, तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो हमारे पास किसके अंडर आती हैं, हमारे पास हॉट वर्क परमिट के अंडर आती हैं। दूसरा आ जाता है जी हमारे पास कोल्ड वर्क परमिट। अब कोल्ड वर्क परमिट को बेसिकली जनरल परमिट भी बोला जाता है इसको, और फिर आम में हम बोलते हैं इसको जनरल परमिट हम बोलते हैं इसको। अब कोल्ड वर्क परमिट जो है किसी भी ऐसी सिचुएशन को अंदर यूज करते हैं जहां पे हम जनरली जो है वहां पे हमारे पास इग्निशन का कोई भी सोर्स मौजूद ना हो, यहां पे हमारे पास आग लगने का चांस मौजूद ना हो, जिस एक्टिविटी से बिल्कुल कोई स्पार्क प्रोड्यूस ना हो रहा हो, कोई वहां पे उसके लिए हीट प्रोड्यूस ना हो रही हो, जनरल जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज के लिए हम कोल्ड वर्क परमिट यूज करते हैं, हम उनके लिए इसको कहा जाता है कोल्ड वर्क परमिट। जैसे डिसमेंटलिंग आपकी हो रही है और मेंटेनेंस हो रही है किसी भी क्रिटिकल इक्विपमेंट की, वर्क एट हाइट हो रहा है आपके लिए, स्कैफोल्डिंग हो रही है, पेंट की एक्टिविटी हो रही है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है जनरल एक्टिविटीज हैं, और इन जनरल एक्टिविटीज के लिए जो परमिट हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कोल्ड वर्क परमिट बोलते हैं। तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है कन्फाइंड स्पेस परमिट। अब कन्फाइंड स्पेस परमिट हम हर उस एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं जहां पे हम जो है किसी नैरो स्पेस के अंदर काम करने जा रहे होते हैं, या ऐसी स्पेस में काम करने जा रहे होते हैं जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो और पोटेंशियल हैजर्ड्स की जो है हैजर्ड्स एनवायरमेंट हमारे लिए हो, जहां पे हमें ये दिख रहा हो या हमें ये लग रहा हो कि हमारे लिए हैजर्डस एनवायरमेंट हो सकता है और क्लोज स्पेस है। अब क्लोज स्पेस ऐसे हम उसे बोलेंगे कि जहां पे आपके एंट्री एंड एग्जिट के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके लिए वहां पे सिंगल रूट होता है, ना कोई वेंटिलेशन की स्पेस वहां पे होगी, ना वहां पे कोई और जो है वहां पे आपके पास जो है रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो इस तरह की स्पेसेस को हम क्या कहते हैं हम कन्फाइंड स्पेसेस बोलते हैं। जैसे अंडरग्राउंड वॉल्ट्स आपके आगे, टैंक्स, स्टोरेज बिन्स, पिट्स एंड डेक एरियाज आपके, वेसल्स, साइलोज, तो ये वो सारी जगह जो बंद होती हैं, जो नैरो होती हैं, तो उनके लिए हम जब काम करने लगते हैं तो उसके लिए हम जो परमिट यूज करते हैं वो कहते हैं हम उसे कन्फाइंड स्पेस परमिट बोलते हैं।
चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है जी ओपन इक्विपमेंट एंड लैंड बैटिंग परमानेंट। ओपन इक्विपमेंट को जनरली अगर मैं आपके लिए डिफाइन करूँ तो आप हर एक इक्विपमेंट इक्विपमेंट को जो है सिक्योर बनाने के लिए उसके ऊपर जो है एक प्रॉपर जो है कैसिंग लगाई जाती है, एक बॉडी लगाई जाती है, जिसका ये मकसद होता है कि उसके किसी उस मशीनरी को उस इक्विपमेंट को कोई बंदा डायरेक्टली एक्सपोज ना हो सके। तो जब आपने उस इक्विपमेंट को जो है वहाँ पे जो है बाईपास करना है, मतलब उसको आपने मेंटेन करने के लिए उसको ओपन करना है, तो उसके लिए आपको परमिट चाहिए। कोई ऑपरेशन पाइपलाइंस अगर आपने खोलनी है, चाहे मेंटेनेंस वर्क के लिए खोलनी है, जिस वजह से भी आपने ऑपरेशन पाइपलाइंस के ऊपर कोई काम करना है, तो उस सूरत में भी आपको परमिट की रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ब्रेकिंग परमिट हम बोलते हैं। द परमिट कवर्स एनी वर्क नेसेसरी टू फैसिलिटेट द लाइन बीन ब्रोकन, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर रिलीफ, वॉल क्लोजर, फ्लशिंग, ब्लॉक एंड ब्लीड, वेंटिंग, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, अलार्म सर्किट ब्रेक, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए आपने जो है वहाँ पे बाईपास करना है अपनी जो है लाइन्स को, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली एक्सपोज हो जाते हैं हैजर्ड्स को, तो उसके लिए जो परमिट हम यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओपन इक्विपमेंट या लाइन ब्रेकिंग परमिट हम बोलते हैं। अब ये तो आ गई हमारे पास परमिट की टाइप्स। अब प्रोसीजर क्या होता है परमिट को रिसीव करने के लिए और परमिट के अकॉर्डिंगली काम करने का प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरह से परमिट के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हर परमिट के लिए, चाहे वो हॉट वर्क परमिट अगर मिसाल ले लें, तो उसके लिए एक प्रॉपर एक चेकलिस्ट होगी, एक परफॉर्मर होगा उसके लिए, उसको आप डिजाइन जो है हुआ होगा ऑलरेडी और उसको जो है आप वहाँ पर यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे परमिट को इशू होगा। आप परमिट को इशू करने के लिए या इशू करवाने के लिए आपने उस जो है डॉक्यूमेंट को पहले फिल करना होगा, उस डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा, तब जो है आपको परमिट क्या होगा, इशू होगा। अब परमिट के लिए बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग मौजूद होते हैं, एक परमिट इशूअर और एक रेसिपिएंट, जो परमिट रिसीवर जैसे बोला जाता है, एक परमिट रिसीवर होगा और एक परमिट इशू करने वाला बंदा होगा। अब परमिट आपको तब इशू होगा जब आपने परमिट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, जैसे कि वो जो परफॉर्मर आपके पास होगा उसके ऊपर डिटेल ऑफ वर्क आपने पहले लिखी है कि एक्टिविटी आप क्या परफॉर्म करने लगे हैं, फिर उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपने परफॉर्मर भी यूज़ करना होगा। लोकेशन, किस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, किस डेट को आपने काम करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए आप काम करेंगे और किन किन हैजर्ड्स को आप ड्यूरिंग दैट एक्टिविटी आप एक्सपोज होंगे और किन पीपीएस को और किन कंट्रोल मेजर्स को यूटिलाइज करते हुए आप वहाँ पर एक्टिविटी को सर अंजाम देंगे, तो आप ये सारी डिटेल्स वहाँ पर उसके ऊपर लिखेंगे। इसके साथ साथ नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग परमिट, जब आप ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर लेके जाएंगे इशू करने वाले पर्सन के पास, अपना नाम, अपने सिग्नेचर करेगा जो उस परमिट को फिर इशू करेगा, और परमिट इशूअर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग होते हैं जो उस परमिट्स को क्या करते हैं, वहाँ पे इशू करते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास रेसिपिएंट, वो बंदा जो परमिट रिसीवर होगा, जो परमिट को रिसीव करेगा, अपना नाम और सिग्नेचर उसके ऊपर करेगा और परमिट रिसीव करेगा, और ऑन द स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम उनका आपस में डिसाइड हुआ होगा, उस टाइम के ऊपर जो है परमिट आपका जो है वो ओपन हो जाएगा और आपका काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ डेली लाइफ से, मिसाल के तौर पे आप कोई काम करने लगे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें बिजली का परमिट हमें जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का परमिट हमें जरूरत पड़ता है। आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, आपकी छत के ऊपर से बिजली की तारें जा रही हैं, मैन पावर लाइन्स चल जा रही हैं, अब आपकी वहाँ पे एक्टिविटी रुक जाती है और उसके लिए आपको बोला जाता है कि जाके आप इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट से, बिजली वालों के दफ्तर में जाएँ, वहाँ से परमिट लें और परमिट के अकॉर्डिंगली फिर आप बिजली बंद करवाते हैं और फिर आपकी वहाँ पर एक्टिविटी होती है। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप जो है एज अ क्लाइंट वहाँ पे जा रहे हैं, आप उनके पास जा रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि आप एज अ रेसिपिएंट जा रहे हैं, बेसिकली मैं आपसे कहने का मतलब ये है, परमिट रिसीवर के तौर पे आप उनके पास जा रहे हैं, आप उन्हें जाके बोलते हैं कि मुझे जो है परमिट चाहिए जी, ये एक्टिविटी है, तो वो आपको बोलेंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, परमिट इशू कर देंगे ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम आपने बताएंगे तो आप अपनी एक्टिविटी वहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है, बट इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों सर्टिफाइड लोग होंगे, दोनों को सेफ्टी के बारे में अपने जो है वो जितने रिमूव काफ होंगे, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे, सब कुछ पता होगा और उसके बाद वो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, कोई भी उनमें से ले मैन नहीं होगा और उन दोनों को उन चीज़ों के बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से क्या होगा, पता होगा। अब जब आप परमिट आपको रिसीव हो चुका है और परमिट के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब परमिट काम स्टार्ट होगा तो वर्कर्स जब इंटर होने जा रहे होंगे एरिया में, जिस एरिया के अंदर काम होना है, तो उससे पहले वो अपना क्लीनर्स लेंगे। क्लीनर्स कैसे लेंगे वहाँ पे, कि वो उनका चेकअप होता है वर्कर्स का, कि आया वही वर्कर्स काम करने जा रहे हैं जिन वर्कर्स को अप्रूवल लिया गया था। वर्कर्स अपना सिग्नेचर करेंगे वहाँ पे उसके ऊपर परमिट के ऊपर, कि भाई हमें एक्टिविटी के बारे में पूरा पता चल चुका है, हमें टूल बॉक्स स्टार्ट प्रोवाइड कर दी गई है, हमें हैजर्ड्स का, हमें कंट्रोल्स की सब चीज़ों का पता है और अब हम इसमें इंटर होने जा रहे हैं काम करने के लिए। अब जब काम वहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइम था उस टाइम के लिए काम चला है, चाहे 2 घंटे के लिए था, 4 घंटे के लिए था, 5 घंटों के लिए परमिट था, काम हुआ है, एक्टिविटी खत्म हुई है, वर्कर्स बाहर आए हैं, वर्कर्स दोबारा उस पर साइन करेंगे कि भाई हमने सेफली जगह को जो है हमने जो है एग्जिट कर दिया है और हम बिल्कुल फिट जो है वहाँ से जगह को छोड़ के बाहर आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा, परमिट साइन बैक होगा कि कौन करेगा, जो परमिट रिसीवर होगा वही परमिट को साइन बैक करेगा, मतलब जगह क्लियरेंस के अंदर आ जाएगी, जो नॉर्मल रूटीन्स वहाँ पे दोबारा नॉर्मल वर्क स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, और जब उसके साइन करने के साथ ही परमिट क्या
हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब उस परमिट के ऊपर मजीद कोई काम वहां पे नहीं हो पाएगा। बाज़ औक़ात हमने मिसाल के तौर पे अगर आपने 2 घंटों के लिए परमिट लिया है और आपकी एक्टिविटी 2 घंटों के अंदर कंप्लीट नहीं हुई और आपको लगता है कि मेरा आधा पौना घंटा और लग जाएगा, उसके लिए फिर आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है, जितना भी टाइम आपको लगता है कि आपका मजीद लगेगा उसके लिए। अब एक्सटेंशन के केस में अब वो डिपेंड करता है परमिट इश्यूअर के ऊपर कि अगर तो वहाँ पे कोई नेक्स्ट परमिट नहीं हुआ होगा ऑन दैट टाइम तो वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है, अगर उसके बाद दूसरा परमिट हो चुका है तो फिर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, उस केस में आपको नेक्स्ट डे का वेट करना पड़ता है और अगले दिन फिर आपको परमिट मिलेगा और आप अपनी एक्टिविटी को वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक था परमिट के बारे में कि परमिट क्या होता है। परमिट जो है बेसिकली जनरली हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ वर्क का, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने पास जो है मोस्ट ऑफ द हैजर्डस एक्टिविटीज़ के लिए, जो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जो हैजर्डस एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वहाँ पे फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे परमिट को यूटिलाइज करते हैं। परमिट की हमने टाइप्स देखी, 4 बड़ी टाइप्स हमने डिस्कस की, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, ओपन इक्विपमेंट, लाइन ब्रेकिंग एंड कन्फाइंड स्पेस परमिट हमने देखा। फिर उसके बाद हमने जो है प्रोसीजर जो है डिस्कस किया कि किस प्रोसीजर के थ्रू जो है परमिट को जो है वहाँ पे लिया जाता है और किस प्रोसीजर के थ्रू जो है परमिट के ऊपर जो है वहाँ पे काम किया जाता है। होपफुली जी जो है टॉपिक है आपको अच्छी तरीके समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।